सिंगरौली जिले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि सीवरेज पाइपलाइन में सुधार करने गए 3 श्रमिकों की हुई दर्दनाक मौत। हम आपको बता दें कि नगर निगम सिंगरौली में सीवरेज पाइपलाइन का देखरेख करने वाली कंपनी केक्सपन की लापरवाही के कारण 3 मजदूरों की जान चली गई है। बैलन के कचनी में सीवरेज पाइप सुधारने के लिए एक मजदूर अंदर उतरा, लेकिन जब उसका कोई पता नहीं चला तब संविदाकार ने 2 मजदूरों को बिना सुरक्षा उपकरणों के अंदर उतार दिया, जहां 3 मजदूर कन्हैया नरेंद्र और इंद्रभान की मौत हो गई। घटना की जानकारी पर कलेक्टर पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद 3 शवों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला, जहां से उन्हें ट्रामा सेंटर लाया गया और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए संविदाकार की लापरवाही पर पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने संज्ञान लिया है और संविदाकार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के लिए भारतीय दंड विधान की धारा 304 के तहत मामला दर्ज करने की बात कही है। शिफ्ट से काम चालू था, ऐसा कुछ पता लगा है कि कुछ सुरक्षा की कुछ कमी थी। आज सुबह ही कलेक्टर साहब से दूसरे बात हो रही थी और उन्होंने निर्देश दिए थे कि काम जल्दी से जल्दी पूरे सुरक्षा के मापदंडों के साथ इसको समाप्त किया जाए, लेकिन मुझे पता नहीं था कि कुछ आर्थिक मदद की भी बात हो रही है क्या? जो पीड़ित परिवार है वो जो है उनका संबल योजना में रजिस्ट्रेशन उसके तहत उनको मुआवजा दिया जाए। एक की जांच हो रही है, वो भोपाल का जो भी वो बैठक। नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? मैंने कहा घटना की जांच जो भी इसके लिए दोषी पाए गए। लाइन की सफाई के लिए आदमी घुसे वहाँ और वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये कैजुअल्टी हो गई। निश्चित रूप में ठेकेदार की थोड़ी सी लापरवाही तो है, क्योंकि अगर सुरक्षा के पूरे पैरामीटर्स का इस्तेमाल करते तो शायद ये हादसा ना होता। और उसके संदर्भ में जो भी कानूनी कार्रवाई है उनके खिलाफ FIR हो गई है और उनके परिजन, यद्यपि किसी आदमी की मौत के बाद उसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन जो भी हो सक रहा अभी 4 लाख रुपए तत्काल सहायता हमने ठेकेदार से दिलवाया है। जो उनका WC एक बीमा होता है, उस बीमा के अंतर्गत जो भी राशि बनेगी लगभग 12 से 14 लाख 15 लाख अलग अलग आदमियों का वेजेस के हिसाब से वो कंपनसेशन उनको दिया जाएगा। ये जो एक बहुत ही दुखद हादसा है, इसमें जो 3 जो कॉन्ट्रैक्टर थे वर्कर थे जो सीवर लाइन के अंदर कार्य कर रहे थे और उनकी जो वहाँ असुरक्षित तरीके से कार्य करते हुए उनको जब सीवर लाइन में अंदर गए तो वहाँ पर उनकी दुखद मृत्यु हुई है। इसमें जो प्रथम दृष्टिया जो है यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी लापरवाही प्रदर्शित होती है, तो असुरक्षित तरीके से जो सीवर का जो कार्य है वो उसके द्वारा किया जा रहा था। इसमें जो ITC की जो प्रसंगत धाराओं में उसमें उसके खिलाफ जो है FIR दर्ज करवाने की कार्रवाई की जा रही है। कंपनसेशन भी दे रहे हैं कुछ पीड़ित परिवार के लोग? इसमें जो पीड़ित परिवार है उसको जो शासन की सहायता होती है शासन का जो कंपनसेशन वो दे रहे हैं, उसके अलावा जो उनकी एक बीमा राशि होती है जो सामूहिक बीमा होता है उसकी राशि होती है, उसके अलावा जो ये परिजन है परिजनों से जो बात कर रहे हैं उसमें जो भी परिजनों की संतुष्टि के आधार पर अपने आगे लेकिन लाइफ जो सपोर्टिंग सिस्टम था लेकिन जो मदद पहुँचने की वो तो काफ़ी लेट पहुँची ऐसा बता रहे हैं आरोपी, काफ़ी लेट 1 घंटे लग गए थे पहुँचने। इसमें जो जैसी तत्काल सूचना मिली इसमें उसके उपरांत जो एसेंशियल जो सप्लाई होती है वो हमारे द्वारा उनकी वहाँ उपलब्ध कराया गया और क्योंकि ये जब अभी उसमें जो सीवर की